अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा में मारे गए 6 बवालियों के बाद से ही शहर में तनावपूर्ण शांति व्याप्त है। आज शुक्रवार को नमाज के बाद फिर हिंसा या अन्य कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। शहर के चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों के साथ सिविल पुलिस को भी बड़ी तादाद में तैनात किया गया था। मंडलायुक्त, एडीजी, आईजी, डीएम व एसएसपी पूरे शहर का भ्रमण करते रहे, जबकि एडीएम सिटी समेत एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ कोतवाली ने हापुड़ अड्डा चौराहे पर डेरा जमाए रखा। महिला पुलिसकर्मियों की पूरी फौज को भी शहर के संवेदनशील इलाकों में उतारा गया। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई। सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ कोतवाली इमलियान मस्जिद पर पहुंचे, जहां उन्हें नमाजियों ने गुलाब का फूल दिया। शांतिपूर्वक नमाज अदा होने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं आम दिनों की तरह हापुड़ रोड के बाजार गुलजार रहे और दुकानें सजी रही। पूरे दिन भीड़ भी रोजमर्रा की तरह आवाजाही करती रही। शहर को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक सप्ताह पहले यहां इतनी बड़ी हिंसक घटना हुई भी थी या नहीं। नागरिकता संशोधन कानून के बाद पिछले शुक्रवार को अन्य जिलों की तरह मेरठ शहर में भी जुम्मे की नमाज के बाद अचानक ही हिंसा भड़क गई। पुलिस पर जमकर पथराव किया गया और आगजनी कर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। हालात बेकाबू हो गए थे और इस्लामाबाद चौकी को बवालियों ने आग के हवाले कर दिया था। पुलिस को जान बचाना तक भारी हो गया था। जहां तहां छिप छिपा कर पुलिस व अधिकारियों ने जान बचाई थी, बाद में बेकाबू हालातों से निपटने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जबकि बवालियों ने भी अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 6 बवालियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बवालियों पर बामुश्किल काबू पाया था। पुलिस ने करीब 150 बवालियों को चिन्हित किया है और अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सभी बवालियों से सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए वसूली तक की जा रही है। इसके बाद बवालियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद फिर से बवाल की आशंका थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पिछली हिंसा से सबक लेते हुए किसी भी जोखिम से बचने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और अर्धसैनिक बलों के साथ ही सिविल पुलिस को भारी संख्या में तैनात कर पूरी ताकत झोंक दी, ताकि कोई बवाली फिर से हिंसा करने की हिम्मत ना जुटा सके। पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस व प्रशासन के आला अफसर भी सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते रहे। शाम तक शहर का माहौल पूरे तरीके से शांतिपूर्ण बना रहा और पुलिस सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन की मदद से हालातों का जायजा लेती रही। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहना है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का। बहुत अच्छा संदेश गया है। हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने करीब 50 से 100 मीटिंगें की, गली मोहल्लों गलियों में मीटिंग की। जो संभ्रांत व्यक्ति थे, जो समाज के अच्छे लोग थे, वो आगे आके पहल किया कि सर हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। जहां जहां भी नमाज अदा हो रही है, जो जो चौराहे हैं, वहां पर हमारे कम से कम 20-25 जो पुलिस मित्र हैं और पुलिस सहयोगी हैं, वो सब लोग खड़े हुए हैं, स्वयं ड्यूटी कर रहे हैं। और ये बहुत सुखद है कि आज ये मेरठ शहर पुनः अपने उन्हीं उसी गति पे आ गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई फसाद करने से, क्योंकि उसमें बहुत ही बच्चे, बुजुर्ग, सारे लोग परेशान होते हैं। तो हम लोग ये स्थापित कर रहे हैं और आगे इसमें और भी गुणात्मक परिवर्तन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और कमेटियां सक्रिय की जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि इसमें सारी चीज़ों को हम लोग निष्पक्षता के साथ कार्य भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शहर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। इस बार हर गली में जो पार्षद और मुअज्जिज लोग हैं, उनको उन गलियों की जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ से भीड़ बाहर ना आए, और उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी बाहरी आ रहा है तत्काल वो पुलिस को सूचित कर रहे हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिल रही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।